मधेपुरा के नए पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार के पद संभालते ही मधेपुरा पुलिस काफ़ी एक्टिव हो गई है। नए पुलिस कप्तान के नेतृत्व में मधेपुरा पुलिस पिछले कुछ दिनों से सिलसिलेवार तरीके से कई बड़े मामले का निष्पादन कर यह साबित कर दिया है कि अगर नेतृत्वकर्ता अपने फर्ज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ऐसा ही एक कारनामा मधेपुरा पुलिस ने एक बार फिर कर दिखाया है। एक 12 वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले में मधेपुरा पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर न सिर्फ अपहृत बालक को सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की है, बल्कि इस मामले में शामिल 4 अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने धर दबोचा है और साथ ही अपहरण कांड को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल में लाई गई एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मामला मधेपुरा जिला के कुमारखंड थाना हलका का है। बताया जाता है कि कुमारखंड थाना हलका के टिकुलिया गांव टिकुलिया वार्ड नंबर 12 निवासी शिक्षक सुधीर कुमार सुमन का 12 वर्षीय पुत्र अमन कुमार शुक्रवार की शाम टिकुलिया मेहता टोला ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन ट्यूशन पढ़कर वो घर वापस नहीं लौटा तो उसके परिजन उसको खोजबीन करने लगे। खोजबीन करने के दौरान बच्चे की साइकिल गांव के ही एक खेत में पड़ी मिली, जिसके बाद बच्चे के परिजन को अपहरण होने का शंका हुआ, जिसके बाद बच्चे के पिता सुधीर कुमार सुमन ने इसकी जानकारी स्थानीय थाना के साथ साथ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार को भी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बिना वक्त गंवाए एक टीम गठित कर इस मामले की कार्रवाई शुरू कर दी और महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले में संलिप्त 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल किया है। कल शाम को एक 12 वर्षीय बच्चे की पढ़ाई से ट्यूशन से लौटते हुए घर लौटने के क्रम में घर ना पहुंचने की बात सामने आई थी। ये मामला कुमारखंड थाना अंतर्गत ग्राम टिकुलिया का था। तुरंत ही हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं कुमारखंड के और एसडीपीओ मध्यपुर, ये तुरंत ही स्पॉट पर गए। इन्होंने पूछताछ करी तो प्रथम दृष्टि ये मामला किडनैपिंग फॉर रैंसम का प्रतीत हो रहा था। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक हमने टीम का गठन किया और इसमें थानाध्यक्ष कुमारखंड मुरलीगंज थाना के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इन्हें निर्देशित किया गया कि आसपास के सभी संभावित जो इस प्रकार के अपराधी हैं या ऐसी कोई भी जगह जहां बच्चा जा सकता, सभी जगह छापेमारी की जाए, मैनहंट किया जाए। तो ये कार्रवाई हम लोग की पूरी रात भर चली, मॉर्निंग तक चली। अनुसंधान में एक व्यक्ति है मुकेश यादव, जो उसी बच्चे के गांव का ही रहने वाला है, प्रथम दृष्टि सब उस पर जा रहा था, उसकी हम लोग ने खोज पड़ताल की तो हम लोग को पता चला कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी से ये कहीं से गुजर रहा है। सूचना मिली, तुरंत ही उसको इंटरसेप्ट किया गया, स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई। मुकेश यादव और उसमें से उसके 2 सहयोगी मनीष कुमार और सिकंदर दास की वहीं पर गिरफ्तारी हुई, मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। ये जो मेन अपराधी है मुकेश यादव, इससे ले जा करके हम लोग ने इंट्रोगेशन किया रात को, तो इसने ये बच्चे की किडनैपिंग करने की बात को कबूला और इसने जानकारी दी कि वो बच्चा एक थाना है नेबरिंग जिले का, वहाँ पे इसने रखा हुआ है अपने एक रिलेटिव के यहाँ पे। तुरंत टीम ने वहाँ पे रश किया और सकुशल रात्रि में बारे बच्चे की सकुशल बरामदगी की गई। रंगदारी की बात सामने आ रही कि इसमें रंग, देखिए अनुसंधान में हम लोगों ने जो इसके परिजन है बच्चों के उनसे पूछताछ की है तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि उनके पास कुछ कॉल्स आई हैं, लेकिन इस बारे में हम लोग जो संपूर्ण अपना अनुसंधान है वो आगे हम लोग करेंगे। तो इस गंभीर मामले को तुरंत ही हमारी एसटीपीओ सदर की टीम ने और थानाध्यक्षों की टीम ने 12 घंटे के अंदर इसको सॉल्व किया और 12 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद किया। बच्चे का हम लोगों ने मेडिकल भी कराया है। इसमें टोटल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। घटना में यूज़ की गई स्कॉर्पियो बरामद हुई है, मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों का जो आपराधिक इतिहास है वो भी पता किया जा रहा है। ये टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है, एक बड़ी घटना को होने से इन लोगों ने रोक लिया है। तो इस टीम को हम लोग अपने स्तर से और वरीय पदाधिकारियों के स्तर से ही पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा भेजेंगे। सर अभी प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं जिसकी बदौलत आज हमारा पुत्र जो है जीवित है और वह जो है ऐसा लगता है जो फिरौती के चलते जो है मतलब जो है अपहरण किया था। यदि हम रुपया देने में सक्षम नहीं हो पाते तो हमारे पुत्र का हत्या हो सकता। डिमांड किया था क्या आपसे? डिमांड तो नहीं किया था, लेकिन उससे पहले तक कभी प्रशासन उसको कम जो है ना रिकवर कर दिया। पहले से उनसे कोई दुश्मनी से भी दुश्मनी थी क्या? पहले से तो दुश्मनी नहीं था, लेकिन जो है मिलने के बाद जो है उसको जैसे पता चला, उसके ससुराल में मिला, मुकेश यादव मेरा पड़ोसी है
और उसके ससुराल में जब मिला तो उसका बड़े भाई को जैसे मालूम हुआ जो वह मिल गया और अरेस्ट हो गया, तो वह आकर के हमको कहा जो आप जो है मतलब इसको गिरफ्तार कर जैसे तैसे सल्टा लीजिए, अन्यथा जो है बाद में जो है बहुत बड़ा परिणाम और गलत परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। मतलब धमकी दी गई उनके भाई के द्वारा? जी जी, राजेश कुमार का बराबर। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार सुमन, हम एक नियोजित शिक्षक मध्य विद्यालय चुपलिया।